नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी जो राजनीतिक लोग हैं वो सभी तैयारी में लग चुके हैं। प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है और हमारे साथ आ जाए यहाँ के विजय बंसल जी, जो 3 बार लगातार विधायक रहे हैं और अब ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार क्या क्या तैयारी चल रही है और क्या माहौल है सर चुनाव का। तैयारियों की बात है तो मैं पहली बार तो चुनाव लड़ नहीं रहा, 3 बार विधायक रहा हूँ। प्रत्येक गांव में, जगह प्रत्येक वार्ड में, हर जगह मेरी जान पहचान है। हर जगह मरण घर में, जीवन में, उत्सव में, व्यवसाय शादियों में, हर जगह आने जाना बातचीत चलती रहती है। चुनावी माहौल चल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत जोर से है। पिछले चुनाव में 2018 में सभी किसानों का कर्ज माफी का झूठा वायदा करके कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन 5 साल व्यतीत हो जाने पर भी किसी किसान का 1 रुपये तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान बहुत जोर से नाराज है, चुनाव में इसका बदला लेकर रहेगा। ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ के विधायक हैं और राज्य में मंत्री भी हैं सुभाष गर्ग, उनको लोग विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं, उन्होंने काफी विकास कराए, क्या कहना है इस बारे में? विकास के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस बात से अंदाज लगाओ कि 2003 से पहले बचपन में क्या विकास हुआ। बाबू राज बहादुर के टाइम में जरूर हुआ था, एम्यूनेशन डिपो, सुपो वैगन फैक्ट्री वगैरह। लेकिन 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो महारानी वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने इस पिछले हुए भरतपुर को, भरतपुर धौलपुर के उनको विशेष प्रेम भी है, तो भरतपुर को 20 साल से चली आ रही मांग के अनुसार भरतपुर को संभाग बनाया। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, भरतपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, भरतपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाया, या भरतपुर जयपुर तक की 400 करोड़ रुपये लागत से 4 लेन रोड बनाई। इसके बाद 2018 में जो सरकार चली गई, अब कांग्रेस की सरकार आई है। आप विकास पुरुष की बात करो, विकास पुरुष एक ऐसा शब्द है, इस विकास पुरुष के शब्द पर डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के नाम के आगे लगाया था, वो भी चुनाव हार गए थे। ऐसा कौन सा विकास का काम, एक तो आप गिना दो कि ये विकास का काम हुआ है। हमारे टाइम पर वसुंधरा जी ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय से लेकर प्रत्येक गांव में शुद्ध पानी पीने के लिए 33 लाख रुपए से वाटर कूलर लगवाए, यानी 7-7 लाख रुपए की लागत से पंचायत मुख्यालयों में गौरव पथ सीसी रोड के बनवाए। आज भरतपुर की जगह जाकर देख लो, जो विकास के काम हमने हुए हैं, आज एक काम उन्होंने जरूर अच्छा किया है, जो हमने वहां आरओ लगवाए थे, जिनका उद्घाटन किया था, जिन पर हमारी उद्घाटन की पत्थर भी लगा था। मैं पिछले लगातार गांवों में जा रहा हूं, एक भी पत्थर मुझे अपना वहां नहीं दिखा, बल्कि मंत्री महोदय पत्थर लगे हुए थे। क्या पत्थरों खड़वाने के, अपने पत्थर लगाने को ही विकास कहते हैं क्या? भरतपुर नगर निगम का सफाई घोटाला, आप सभी परिचित हो कितना बड़ा घोटाला है, या जो CFCD में जो हुआ है, ये घोटाला, बैंक से लोन इतना ले लिया गया है, अगर दम थी तो राज्य सरकार अपने पैसे से इस काम को कराती। लोन लेकर यह हालत कर दी है कि आगामी 3 महीने बाद नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को बता दो, अभी एक नया आप आश्चर्यजनक बात सुनोगे, नौगांव से लेकर पीपला तक, आगे कोलीपुरा यूपी बॉर्डर तक की सड़क का रिन्यूअल हो रहा है, जबकि वो सड़क मेरी बनवाई हुई, और वो अभी गारंटी पीरियड में चल रही है। गारंटी पीरियड में ठेकेदार जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण उनका पुनः टेंडर लगा दिया गया है, जो कि बिल्कुल भ्रष्टाचार है। गारंटी ठेकेदार गारंटी पीरियड खत्म होने के बाद आज आप जाकर देख सकते हो, रोड बिल्कुल नई रखी हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार, ये विकास पुरुष है। नहीं, अब ये बताया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस की जो स्कीम है, कई लोग कहते हैं कि हम दोबारा रिपीट करेंगे, कांग्रेस ने अच्छी स्कीम चलाई है, इसके बारे में बताया? इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी ने आपस की लड़ाई के कारण कांग्रेस के जितने MLA हैं सभी को मुख्यमंत्री का दर्जा बना दिया है,
यानी उनकी बगैर मर्जी के उनकी कॉस्ट्यूम में पत्ता भी नहीं हो सकता, ना कोई मास्टर ज्वाइन कर सकता है, ना कोई रिलीव हो सकता है। ट्रांसफर अधिकारी आते हैं, पैसे दे के आते हैं। पहली बार इतनी बड़ी बात हुई है कि पैसे देकर तो ट्रांसफर कराओ, उसके बाद मंथली दो। अधिकारी कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगता है, सारी बात हम खोल के रख देंगे कि कितना दुख दर्द हमने सहा है, और जो अधिकारी पैसे देकर आएंगे और मंथली देंगे उस जनता को क्या छोड़ेंगे, लूटेंगे ही तो सही। आज जो सरकार विरोधी वो है, वो सरकार विरोधी कम है, एमएलए विरोधी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जनता को लूट लूट कर परेशान कर दिया है। इन एमएलए की वजह से गहलोत सरकार दूर है। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक विजय बंसल जी, और इनका कहना है कि सरकार की जो योजना है वो अच्छी है, लेकिन जो पब्लिक है वो यहाँ जो मुख्यमंत्री ने विधायकों को छूट दी है उसके कारण नाराजी है, और सरकार की स्कीम अच्छी बताई है। अब देखने वाली बात होगी आगामी जो चुनाव होते हैं किस करवट ये राजनीति बैठती है, ये देखने वाली बात होगी।